हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ की करंट एनर्जी आपके पार्टनर की और उनके लिए उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो, ठीक है। सो रीडिंग जनक कलेक्टिव है व्यूअर्स और सभी के लिए की जा रही है, किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है। आपसे कुछ रेजोनेट हो सकता है, कुछ आपसे रेजोनेट नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो सारी बातें आपसे मैच हो जाएं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम सबके लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, आपसे जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ओके। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके सो लेट्स सी। सो वी हैव सन, ब्रोकन हार्ट, 43 नंबर मैन एंड दी गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। मेल फीमेल, ठीक है। सो यहाँ से हम कुछ और भी कार्ड्स देख रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखने के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके सो वी हैव 25 नंबर कार्ड, वी हैव 17 नंबर, 10 एंड दी 33। ओके तो ये कुछ कार्ड्स हैं व्यूवर्स यहाँ पर आपके सामने। बॉटम से आता 37 नंबर का कार्ड। सो गिव मी फ्यू सेकेंड। ओके व्यूवर्स, सो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखें तो एनर्जी गाइस कुछ इस तरह से, जैसे मैंने बोला था मेल फीमेल, जब मैं कार्ड एनर्जी निकाल रही थी, यानी आपके पार्टनर के अंदर व्यूवर्स दोनों तरह की एनर्जी हम देख सकते हैं। एक तरफ मेल एस्पेक्ट है, एक तरफ फीमेल प्रिंसिपल भी वर्क करता हुआ नज़र आता है। यानी दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं एक ही इंसान के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो इंसान बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाता, है ना। बैलेंस क्रिएट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो माइंड है वो कभी एक एस्पेक्ट पे वर्क कर रहा है, कभी दूसरे एस्पेक्ट पे वर्क कर रहा है। वैसे अगर देखा जाए मेल फीमेल प्रिंसिपल एक ही इंसान के अंदर होना बैलेंस को ही रिप्रेजेंट करता, पर आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ें मिसिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक तरफ तो आपके जो पर्सन हैं वो आपसे मतलब प्रैक्टिकल होके अपनी लाइफ को लेके मतलब दूर होते हैं आपसे, आपका दिल भी तोड़ते हैं, आपको हर्ट भी करते हैं, इवन दो आपको भी पुश करते हैं अपने से दूर जाने के लिए, है ना। ये आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे होता होगा कि वो समवेयर आपको भी इस तरह से कुछ बातें बोल देते हैं, हर्ट कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं आप भी समझ नहीं पाते हो कि ये जो पर्सन है एक पल को इतना प्यार दिखाता है या दिखाती है कि मतलब लगता है कि हाँ इसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं, भावनाएँ हैं, और दूसरे ही पल ये पर्सन ऐसा चेंज हो जाता है कि इस पर्सन को फिर मैं पहचान भी नहीं पाता कि ये सच में वही है कि मुझे अब पुश कर देता है, कुछ भी बोल जाते हैं और फील नहीं करते हैं। तो ये क्या है इस पर्सन के अंदर? तो मैं इस पर्सन की अगर व्यूवर्स बात करूं, यस आपके पर्सन व्यूवर्स एक तरफ तो आपको अपने से दूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके लिए रोते भी नज़र आते हैं, आपके लिए क्राई भी करते हैं, आपसे दूर जाना भी खुद भी नहीं चाहते लेकिन दूर जाने की कोशिश भी करते हैं। और व्यूवर्स यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जैसे ये जो पर्सन है ना, ये बेशक आपसे इस समय दूर हों, कुछ लोग हो सकता दूर भी हों, कुछ लोग हो सकता पास भी हों, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है जिसको क्लियर होना बाकी है, है ना, क्लैरिटी जिसमें आना बाकी है। क्योंकि देख सकते हो व्यूवर्स कि कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से ना तो आप दोनों एक हो पा रहे हो, ना ही एक दूसरे से दूर जा पा रहे हो, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स तो बड़ी मेजर रोल प्ले कर रही है, और समवेयर देर कुड बी अ इमोशनल प्रॉब्लम, मे बी किसी और का इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि दो तरफ ये इंसान अपने आप को बटा हुआ सा महसूस कर रहा है, ठीक है, कि किस तरफ जाऊं, किसको प्रेफरेंस दूं, किसको प्रेफरेंस ना दूं, है ना। जैसे कि एक डिसीजन लेना इस पर्सन के लिए राइट ना मुझे बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखें जो बॉटम से कार्ड आता है वो भी सेवन चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो भाई, है ना, जो ऑलरेडी मैरिड है, उसके लाइफ में भी एक और पार्टनर भी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन बंधे हैं, जहाँ पर एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने इस पर्सन को बांध रखा है, एक तरफ जिम्मेदारी पारिवारिक हो सकती है, और एक तरफ आपका जो प्यार है वो यहाँ पे नज़र आता है। कुछ बातें हैं व्यूअर जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं सोसाइटी बेसिस पे भी आपसे डिफरेंट करती हैं, आपसे डिटैच करती हैं, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है। लेकिन एक बात तो है व्यूअर्स यहाँ पे जो हम जिसको डिनाई नहीं कर सकते, वो ये है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है जो ना तो टूटता है ना, टूटता भी नहीं है, जुड़ता भी नहीं है, जो प्रॉब्लम उनका सलूशन भी नहीं मिलता है। राउंड एंड राउंड चीज़ें चलती चली जा रही हैं, कभी टूटता है कभी जुड़ता है। कन्फ्यूज़न जो बनी हुई है ना लाइफ की, कि भाई सामने वाले क्या चाहता है इस कनेक्शन को लेके, समझ में नहीं आता। इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो क्या होगा वो समझ में नहीं आता है। न्यू बिगनिंग होगी, एक दूसरे के साथ में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे ये भी समझ में नहीं आता है। दूर जाने की कोशिश करते हैं, दूर भी नहीं जा पाते, ये भी समझ में नहीं आता। तो बड़ी कन्फ्यूज़न आपके रिलेशनशिप में। सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो राउंड एंड राउंड की एनर्जी गाइज यहाँ पे दिखाई देती है, जो कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से इमोशनल अटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है, और समवेयर एक तरह के प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। वही मेल फीमेल प्रिंसिपल यहाँ पे वर्क करता हुआ नज़र आता है। मैं व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन सबसे पहले आपको लेके ऐसा फील करते हैं कि जैसे ये जो रिलेशनशिप है ना, ये एक तरह से डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। जैसे डेस्टाइन कनेक्शन कुछ होते हैं ना कि यार हमने तो इस कनेक्शन को तोड़ना चाहा, लेकिन ऊपर वाला हमें जोड़ के रखता है, दूसरे के साथ में कनेक्ट करके रखता है कि भाई ये रिश्ता है तुम्हारा तो तुम्हें निभाना पड़ेगा, ये ड्यूटी है तुम्हारी तो तुम्हें फुलफ़िल करनी पड़ेगी, ये तुम्हें प्यार देना है उस इंसान को तो तुम्हें देना पड़ेगा, है ना। तो कुछ इस तरह से देख पा रहे व्यूअर्स कि आपके पर्सन यही समझते हैं कि ये जो कनेक्शन है उनको ये ऐसे ही नहीं मिला, वो इस कनेक्शन के लिए यूँ ही नहीं रोते हैं, इस कनेक्शन के लिए आपके लिए यूँ ही नहीं तड़पते हैं, दिल उनका यूँ ही परेशान नहीं होता है, है ना। उसमें कुछ तो है व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन यही समझते हैं कि यार उसमें कुछ तो ऐसी बात है उस इंसान के अंदर कि उसको मैं चाह के भी भूल नहीं पाता हूँ। मुझे पता है समवेयर व्यूअर्स ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी गाइज मिल रही है कि आपके पर्सन को लगता है कि हाँ ये कनेक्शन उनके लिए नहीं है, या फिर वो आपके लिए नहीं बने हैं, है ना। मतलब कुछ ना कुछ तो है बड़ी मेजर प्रॉब्लम, यानी कि आप समझ सकते हैं सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि समवेयर उनको लगता है कि आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, और यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, और समवेयर दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट राइट, ठीक है, ये रिलेशनशिप भी राइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप चाहिए क्योंकि इस रिलेशनशिप में सुकून मिलता है। जब भी रिलेशनशिप दूर होने की टूटने की कगार पर आ जाता है, मतलब बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि उस पेन को संभालना बड़ा भारी होता है। मतलब किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते, किसी से मतलब बात वो मिलती ही नहीं है जो आपसे मिलती है आपके पर्सन को, और ये रियलिटी फैक्ट है क्योंकि सारे कार्ड व्यूअर्स यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, यू आर मेड फॉर ईच अदर एंड नॉट ऑल्सो। आप बने भी एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच भी हो, पर एज पर दिस वर्ल्ड जो हम जिस दुनिया में जीते हैं उस दुनिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मे बी आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आपको एक होने नहीं देते, आप दोनों को एक दूसरे का बनने नहीं देते। प्यार भी है तो प्यार को सही साबित नहीं होने देते, जैसे प्यार भी अगर कर रहे हो तो चोरी कोई कर रहे हो, है ना। वैसे कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन इस कनेक्शन में वही है, प्यार किया है तो डरना भी उतना ही ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि हर वक्त एक सर पे तलवार लटकी रहती है कि ना जाने कब क्या हो जाए, है ना। इस तरह की सिचुएशन मुझे आपके इस कनेक्शन में नज़र आ रही है। मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना ये अभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी डिसीजन इस पर्सन के लिए लेना राइट नाउ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके कनेक्शन में दो कार्ड ऐसे आए व्यूअर्स जो मुझे दिखाते हैं कि नेवर एंडिंग ए स्टोरी, एंड दी 10 नंबर का कार्ड अनफिनिश सिम्फनी, यानी कि अभी भी आपका रिलेशनशिप ऐसा है जिसको तोड़ के भी तोड़ा नहीं गया है, और आपके पर्सन आज भी आपसे मुझे कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, वो आपसे आज भी प्यार करते हैं, आज भी उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, वो आपको दिखाना भी चाहते हैं, लेकिन समवेयर जैसे हाइड करके बैठे, उसे प्रोटेक्ट करके बैठे हैं। एक शैल एक कवर इसने इस पर्सन ने अपने ऊपर एक बना लिया है जिसमें अपनी फीलिंग्स को आप तक ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून एंड द क्वाइन की एनर्जी गाइज ये दिखा रही है, एक तरफ तो आपके पर्सन प्रैक्टिकल हो रहे हैं और एक तरफ आपके पर्सन आपके बिना जी भी नहीं पा रहे हैं, जैसे कि बहुत बेचैनी, बहुत सफोकेशन सी हो जाती है ना,
कि कहाँ है वो आंखें ढूंढ रही हैं आपके आपके आपको आपके पर्सन की। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है। यहाँ पे व्यूअर्स अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे दो कार्ड अपोजिट आते हैं, 52 और 25, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपोजिट वे में रिफ्लेक्ट करते हैं। एक तरफ वो आपके पर्सन आपकी तरफ इमोशनल हैं और दूसरी तरफ वो कोई रास्ता भी नहीं निकाल पा रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाया जाए। ठीक है, प्यार भी बहुत है इस पर्सन के अंदर, हम ये चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। और देख लेते हैं इस पर्सन के अंदर और क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं ये और इस कनेक्शन को लेके क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, मैंने कहा था डेस्टाइन कनेक्शन है ये, बिल्कुल है, रीजनरेशन की एनर्जी है। एंड व्यूअर्स टिकटॉक, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके कनेक्शन में सबसे पहले जो डेस्टाइन की एनर्जी है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होती है। मे बी आप लोग मिले बहुत देर से एक दूसरे के साथ में, कभी कभी होता है ना कि एक बात व्यूअर्स जो मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व करी है, एज पर मैंने कितने सारी रीडिंग में कर चुकी हूँ, इवन दो थाउजेंड ऑफ पर्सनल रीडिंग, तो एक चीज़ मुझे समझ में आती है, कभी कभी इंसान बना तो एक दूसरे के लिए होता है, मेड फॉर ईच अदर होता है, सोलमेट कनेक्शन होता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, लेकिन बीच में कहते हैं ना, इस दौरान जब तक आप एक दूसरे से मिल पाते हो, कोई कार्मिक पार्टनर घुस जाता है कनेक्शन के अंदर, है ना, उसके साथ में संबंध ऐसा बन जाता है जिसको ये दुनिया सही ठहराती है और वो एक जिम्मेदारी की तरह बन जाता है, बर्डन बन जाता है ना। तो वही हुआ आपके कनेक्शन में, आप लोग मिले तो सही दूसरे से पर देर से मिले, और ये हुआ कि आपका मे बी पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आप एक दूसरे से आपका मिलना तय था, जैसे कहते हैं ना एक कर्मा था आपका या फिर एक प्यार था आपका जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना ही था, तो वो हुआ तो सही कनेक्ट, पर उसको कनेक्शन बनने में डेवलप होने में देर हो गई और इसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पर आपके कनेक्शन में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। ठीक है, कुछ लोग होता है कि इस कनेक्शन मतलब जो कार्मिक पार्टनर बन जाता है उससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये हिम्मत नहीं दिखा पाते और अपनी लाइफ में अपने आप को ही जैसे सप्रेस कंप्रेस करते रह जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते रह जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये मेरा मुझे करना ही पड़ेगा, इस तरह से जैसे कुछ बन जाता है, कार्मिक बॉन्ड बन जाता है। तो कार्मिक बॉन्ड आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जिसको ये फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर, आप या आपके पार्टनर, और मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में फिर से अगर एक बार सेपरेशन हो चुका आप लोगों का, तो यहाँ पे उम्मीद है अभी भी आपके रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि मैंने बोला ना कनेक्शन ख़त्म होके भी नहीं होता। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए फीलिंग जो रखते हैं कि यार मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगी, मुझे उसका साथ चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए और मुझे रिश्ता फिर से चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे दूर जाके भी देख लिया, आपसे दूर जाके बना के भी देख लिया, कार्ड्स व्यूअर्स ऐसे आ रहे हैं, बताओ मैं आपके लिए क्या बोलूँ, है डेस्टाइन कनेक्शन। जिन लोगों से भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% हर एक से रेजोनेट हो रहा होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी का यहाँ पर डेस्टाइन कनेक्शन तो ज़रूर है, कुछ लोगों का ज़रूर है, और ऐसा कनेक्शन है व्यूअर्स जैसे कि आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे से दूर जाओगे ना तो रह भी नहीं पाओगे, ऐसी एनर्जी में आप लोग हो। तो प्यार उसके मन में भी आपके लिए है, आपके मन में भी उसके लिए है, लेकिन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में कुछ चीज़ें फिर से रियलाइव होती हुई नज़र आ रही है, कि एक बार सेपरेशन हो चुका लेकिन ये पर्सन फिर से जैसे कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं आपके कनेक्शन के अंदर, सो दैट वो इस जर्नी को कंप्लीट कर सके, क्योंकि जर्नी तो है आपके साथ में, डेस्टाइन कनेक्शन भी है तो जर्नी तो चलेगी व्यूअर्स। और ये पर्सन मुझे आपकी लाइफ में फिर से आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन आपको लेकर रोते बहुत हैं, बहुत क्राई करते हैं, आप भी रोते होंगे, आप भी तड़पते होंगे, और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कनेक्शन में व्यूअर्स ओवरऑल देखूँ तो देर इज़ ए रियूनियन, यस रियूनियन है आपके कनेक्शन में, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो तो रियूनियन तो पॉसिबल है ही है। ठीक है, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही व्यूअर्स कि हर सोलमेट एक ट्रू लव होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सोलमेट जो कि दिखाता है कि जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको समझे, जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो जिसका कहीं ना कहीं आपके सोल से कनेक्शन हो, है ना। तो इस तरह का कनेक्शन व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो भाई दूर तो जाना पॉसिबल है नहीं अभी राइट नाउ, तो कम बैक की एनर्जी गाइज ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ओके सुबह, टेक केयर।